प्रिय मित्रों, भक्ति शरणम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की विधि और कथा के विषय में बताएंगे। जैसा कि इस व्रत की कथा से ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वही सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। और आपसे यह निवेदन है कि यह वीडियो पूरा देखें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। और हाँ, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरे सभी को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस जानकारी का लाभ सभी लोग उठा सकें। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास है। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति भी स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों में वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष को जल देना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालना चाहिए और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं, वे बायना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि दान करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री व्रत कथा। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। इसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं को का प्रिय अश्वपति नाम का एक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा, और वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्व, भूर्लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई, और बहुत दिनों बाद उस राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी, और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई।
जो अत्यंत सुंदर थी और स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके शिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देख राजा के उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे आत्मा के अनुरूप वर नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय ना हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजेशियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शालो देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम के से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववंश अंधे हो गए। उस समय उनको छोटा सा बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नाम का एक सामंत राजा ने उसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य द्युमत्सेन छोटे बच्चे के को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका यह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टभर कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औशीनर शिवी के समान है। यायात के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत्सेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक एक वर्ष पर क्षीणायु होकर के देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन में निश्चय करके
बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया, और तनवंगी सावित्री भी मनोभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को देख करके प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह मरण काल आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा कुशा और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर के सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर के कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम शम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में कौन हैं जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता स्त्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकी हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। विशाल नेत्रों वाली कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान हैं, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस कर दिया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया।